हेलो, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। तो गाइस, अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो देखिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक वीडियो के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको बता ही देता हूँ। मीन इज़ एन एवरेज ऑफ गिवन सेट ऑफ डेटा। कोई भी गिवन सेट ऑफ डेटा जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब हो गया, तो इसका एवरेज क्या है? एवरेज कुछ नहीं है, इसका पूरा सम करो, ठीक है? और बताओ कि कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हुआ? देखिए, ये हो गया 5, 5, 10, 10/4, 10/4, 5/2, 2/2, ठीक है? तो इसका एवरेज क्या हो गया? 2.5, 2.5। तो इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है? सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज का? समेशन ऑफ आई से लेकर एन तक जितने भी टर्म है एक्स आई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन, जितने भी एन है आपके, एन से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? फिर इसको हम डिनोट करते हैं, मीन को डिनोट करते हैं यू से। सो ये सबको पता ही होगा, तो मीन को डिनोट करते हैं यू से। तो ये हो गया मीन। मीन क्या है? एवरेज है, ठीक है? सो ये हो गया मीन आपका कवर। मैं थोड़ा सा इधर साइड में आ जाता हूँ। अगला जो पॉइंट है अपने पास में है आपका वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? सो वेरियंस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल नंबर ऑफ मीन्स। जितने भी नंबर ऑफ मीन्स है उनका डिफरेंस। सो देखिए, एक मीन निकाल लिया हमने, मीन निकाल लिया, इसको इससे डिनोट कर दिया, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसको सबसे माइनस करेंगे। या तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इससे भी, इसको जितनी वैल्यूज है एक्स आई उन सबसे माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, और फिर बाद में फिर से उसका एवरेज निकालेंगे, उस स्क्वायर वाली टर्म का एवरेज निकालेंगे। मान लीजिए कि अपने पास में एक्स आई है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और इसका मीन है 2.5। सो 2.5 इन सब में से माइनस कर दिया, 1.2.5 कोई वैल्यू आई, 2.5 एक वैल्यू आई, फिर 2.2.5 एक वैल्यू आएगी, ठीक है, वहीं 3 - 2.5 एक वैल्यू आएगी, फिर 4 - 2.5 एक वैल्यू आएगी। जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है, उस सारी वैल्यू उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर इन सब का सम करना है हमें, इन सब का समेशन करना है, और फिर बाद में उसको डिवाइड करना है एन से, ठीक है? सो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसको हम वेरियंस बोलते हैं। आई से लेकर एन तक और एक्स आई माइनस म्यू, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीन, स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ओके? सो दिस इज वेरियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता है यार? स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्क्वायर्स वाला जो पार्ट है वो इधर भेज दें, दैट्स इट, ठीक है? स्टैंडर्ड, इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलती है। सो इसको, स्क्वायर वाले पार्ट को इधर भेज दिया, सेम ऐसे का ऐसा, ठीक है? सो वेरियंस क्या होता है? वेरियंस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल नंबर्स एंड मीन्स। डेविएशन फॉर अबो एग्जाम्पल आई हैव गिवन दिस, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। इट इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच डेटा वेरीज फ्रॉम द मीन। सो इसको, ये क्या मेजर करता है कि भाई जो एक्सटेंट, किस एक्सटेंट पे डेटा है वो वेरी कर रहा है एंटायर उसके अंदर। व्हाई डिड मैथमेटिक्स चूज ए स्क्वायर देन स्क्वायर रूट टू फाइंड डेविएशन? व्हाई नॉट सिंपली टेक द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज? सीधा ही डिफरेंस क्यों नहीं ले लिया? वन रीजन इज दैट द सम ऑफ डिफरेंस बिकम्स जीरो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मीन। सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस कुड बी एन ऑप्शन, बट विद एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रूव मैनी नाइस थियोरम्स। सो इसके लिए आपके पास में कंप्लीट वो चीज है कि मैं सिंपली एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हम स्क्वायर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। स्क्वायर नहीं, अगर हम डिफरेंस ढूंढेंगे, मान ले कि 1 - 2.5 किया मैंने तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, वहीं पे मैंने 4 - 2.5 किया एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है? तो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू वो उस चीज को जीरो कर देगी। तो उस चीज को क्या किया मैंने, इनका स्क्वायर लिया, और एंटायर उसके अंदर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा ही, भाई साहब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो तो नहीं हो रहा है, ये जीरो नहीं करना चाहता था मैं, इसको एब्सोल्यूट ये करके डिफरेंस निकाल कर वो जीरो कर देता। इसीलिए मैंने पहले तो इसका स्क्वायर किया, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाला। तो ये जो स्क्वायर करने का मतलब ये था कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है गायब हो जाएगा, और स्क्वायर रूट किया तो वापस अपने रियल फॉर्म में आ गया, ठीक है? सो लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि भाई इसको डायरेक्ट ये कर दो तुम,
अगर -1 है तो इसका एब्सोल्यूट निकाल लो वैल्यू का, लेकिन वो उसके लिए देखो यार कंप्लीटली नाइस थ्योरम्स दी हैं, बहुत सारी थ्योरम्स है। सो मैं आपको एक एक रेफरेंस पॉइंट डाल दूंगा, MIT की वीडियोस है तो वहां पर उन सब चीजों को समझ सकते हो ये क्यों है। वहां पर क्या है कि वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज जीरो इफ ऑल एंट्रीज इन द इनपुट आर सेम। अगर जितनी भी एंट्रीज है इनपुट की वो अगर सारी सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज जीरो हो जाएगी। इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट अ नंबर से 7 7 हम ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू ऑल वैल्यूज इन द इनपुट सेट द मीन इज इंक्रीज्ड बाय 7। पता है ये सिंपल बात है, अगर मान लीजिए कि अभी तक सारे लोगों का जो मीन है वो 2.5 आ रहा है, अगर मैं 1 ऐड कर दूं सभी नंबर के अंदर तो ये मीन है ये भी इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 और ये आ जाएगा 3.5। ठीक है, सो बोथ मीन एंड द इफ। लेकिन एक चीज एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन है ना यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अगर हम मीन के अंदर कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो वेरिएंस के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई वैल्यू को सारे नंबर्स के साथ में, मीन के साथ में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ में भी बाय 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन के साथ में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, ऐड कर रहे हैं तो नहीं होगा। अगर सपोज ऑल वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड विद एक्स, सो ये जो तुम्हारा है मीन है वो एक्स टाइम बढ़ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी एक्स टाइम इंक्रीज हो जाएगा। बट इफ वी मल्टीप्लाई ऑल वैल्यू इनपुट वैल्यू विद अ नेगेटिव नंबर से -7, द मीन इज मल्टीप्लाइड बाय -7 बट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज मल्टीप्लाइड बाय 7 ओनली। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाता है, स्क्वायर है, माइनस को स्क्वायर कर देता है, एब्सोल्यूट कर देता है और बाद में हम उसका क्या लेते हैं, अंडर रूट निकालते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी पार्ट है यहाँ पर। अगर माइनस है तो मीन तो चेंज होगा, मीन तो -7 डिक्रीज होगा लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मीन के साथ में तो -7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 7 से। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस इज अ मेजर दैट टेल्स हाउ स्प्रेड आउट द नंबर इज, जो नंबर है वो कितना फैला हुआ है। ये चीजें हमें ये बताती है कि नंबर कितना फैला हुआ है। वेल वेरिएंस गिव्स यू अ रफ आइडिया ऑफ स्प्रेड, वेरिएंस है वो रफ आइडिया देता है कि भाई साहब इतना इतना फैला हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन मोर कंक्रीट, वो बहुत ज्यादा कंक्रीट है, गिविंग यू एग्जैक्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम द मीन। वो तुम्हें मीन से एग्जैक्ट डिस्टेंसेस देगा कि भाई साहब ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा मीन है और ये तुम्हारा जो है वो कितना उससे अलग है, वो कितना स्प्रेड है, मतलब कितने आउटलायर्स है उसके अंदर, कितनी क्या चीजें है, कितना स्प्रेड है मीन से, ये सारी वैल्यूज कितनी दूर है, कितने पास है। ये अगर जीरो है तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर जीरो है तो ये समझ जाओ कि वो बिल्कुल करीब है उसके, वो जो डेटा है स्प्रेड है वो मीन के बिल्कुल करीब है। ठीक है, लेकिन अगर वो जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन वो उतना बताता है कि इतने फार है ये वैल्यूज, ये इतने फार है तुम्हारे मीन से। सो ये चीज तुम्हें ये बताती है। ठीक है, मीन मीडियन एंड मोड मोड आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा आइदर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। जो मीन मीडियन और मोड है वो मेजर करती है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को, वो या तो ग्रुप्ड हो या तो अनग्रुप्ड हो इट डजंट मैटर, लेकिन ये क्या बताती है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी बताती है। दैट आई विल टेल यू मोर इन डिटेल इन माय अपकमिंग वीडियोस एंड आई विल टेल यू इन डेप्थ आल्सो इन माय स्टैटिस्टिकल वीडियो। सो वेट फॉर माय स्टैटिस्टिक्स वीडियो, इन दैट पर्टिकुलर वीडियो आई विल कवर ऑल दीज थिंग्स। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।